तो मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हो तो आप समझ सकते हैं बहुत ही शुभ योग का निर्माण करता है, जिसे गज केसरी योग भी कहते हैं। परंतु चंद्र कुंडली में भी क्या यही स्थिति बनता है, इस बात का आज हम विस्तृत व्याख्यान करने वाले हैं कि गुरु चंद्रमा से किस घर में बैठा हो तो क्या फल दे। तो चंद्रमा के साथ गुरु की स्थिति का संपूर्ण वर्णन करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। तो आपकी जन्म कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, चंद्रमा के साथ में अगर गुरु बैठा हो तो धन, बल, पराक्रम और स्वास्थ्य, इन तीनों के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम माना जाता है। अर्थात धनी भी होता है, पराक्रमी भी होता है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो निरोगी काया लिए एकदम सुंदर सुशील ऐसा जातक होता है। अगर चंद्रमा से दूसरे घर में गुरु बैठा हो तो जातक को धर्मात्मा बनाता है, प्रतापी बनाता है, दीर्घायु भी बनाता है और राजा से भी मान सम्मान प्रदान करवाता है। चंद्रमा से अगर तीसरे घर में गुरु बैठा हो तो ऐसा जातक स्त्रियों का बहुत ही प्रिय होता है एवं अपने जीवन के 17वें वर्ष में धन की प्राप्ति ऐसे जातक को होने लगती है अथवा हो जाती है। तो मित्रों, चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ से चौथे घर में अगर गुरु आपकी कुंडली में बैठा हो तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपको माता के पक्ष से भी कष्ट की प्राप्ति अपने जीवन में हो सकती है तथा ऐसा जातक जिंदगी भर सेवा का कर्म करने वाला सेवक बनकर रह जाता है। अगर चंद्रमा से 5वें घर में गुरु बैठा हो तो ऐसा जातक पुत्र और पत्नी, स्त्री, धन के मामले में तो ठीक ठाक होता है परंतु उग्र स्वभाव का ऐसा जातक हो जाता है। तो आपने आज ये यहाँ पे क्या जाना, ये समझ लिया कि केवल मंगल के वजह से ही जातक उग्र स्वभाव का या गुस्सेल नहीं होता है, अपितु चंद्रमा के घर से अगर 5वें घर में गुरु बैठा हो तो भी यह योग बनता है। अगर चंद्रमा से 6ठे घर में गुरु बैठा हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में सदैव अव्यवस्थित रहता है एवं परिभ्रमण का योग बनता है, अकारण व्यर्थ में इधर से उधर भटकते रहने वाला अथवा चलते रहने वाला भी ऐसा जातक होता है, क्योंकि इसके जीवन में गृह सुख का भी अभाव होता है, घर का सुख इसको नहीं होता है। चंद्रमा से 7वें घर में गुरु बैठ करके जातक को नपुंसक टाइप का बना देता है, धन की तो कमी नहीं होती है, अनेकों घर इसके नाम से होते हैं तथा ऐसा जातक पांडु रोग से भी ग्रसित हो सकता है। दीर्घजीवी भी ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ही लंबी आयु वाला होता है। अगर चंद्रमा से 8वें घर में गुरु बैठा हो तो ऐसे जातक के लिए पितृपक्ष बड़ा शुभ दिन माना जाता है। ऐसा जातक सदैव रोगी रहने वाला एवं सदा दुखी रहने वाला ही देखा गया है। अगर चंद्रमा से 9वें भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसा जातक धर्मात्मा होता है एवं श्रेष्ठ धनी भी अपने जीवन में ऐसा जातक होता है। देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का, गौ का सेवक ऐसा जातक एवं भक्त होता है, ईश्वर का प्रिय भक्त भी ऐसा जातक होता है। चंद्रमा से 10वें घर में बैठ करके गुरु जातक को धनवान और तपस्वी भी बना देता है, पुत्रहीन एवं स्त्री का त्याग करने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है। चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ से अगर 11वें घर में गुरु बैठा हो तो ऐसा जातक राजा के समान होता है, परंतु 12वें घर में अगर बैठा हो तो ऐसा जातक अपने ही परिवार का विरोधी होता है। तो आप अपनी कुंडली इसी प्रकार देखिए और अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ना आ रहा हो तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी से मिलिए और अपनी कुंडली पर सलाह लीजिए। अगर कोई आपको न मिले तो अपनी कुंडली आप हमसे भी दिखा करके सलाह ले सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी बैठे हो, फोन पर आपकी कुंडली देखकर विधिवत सलाह विस्तार से हम आपको दे देंगे। ठीक है।